नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओल्ड मॉन्क्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे सांख्य फिलोसॉफी पार्ट टू। इसके पहले की वीडियो में मैंने सांख्य फिलोसॉफी अच्छे से कवर किया है, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने उसमें देखा था। सो आपने अगर वो नहीं देखा होगा उसका वीडियो, तो प्लीज़ आप एक बार उसको देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, ठीक है। सो लेट स्टार्ट सांख्य फिलोसॉफी। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने प्रकृति सब उसके कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सब हमने देखे थे, जो भी इंट्रोडक्शन का पार्ट था, नहीं क्या आपको अगर याद आ रहा हो, सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद, उसके फिर बेसिक टाइप सांख्य क्या ट्राय सांख्य किसको फॉलो करते हैं, ये सब हमने उसमें कवर किया था, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे प्रकृति और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। प्रकृति कंसिस्ट ऑफ यूनिटी ऑफ थ्री गुनाज, ठीक है, क्या होते हैं देखेंगे। दिस थ्री गुनाज आर नाइदर इट्स क्वालिटीज नॉर एट्रीब्यूट एंड नॉर फीचर, ठीक है, बिकॉज इट इज़ पार्टलेस, इनसेपरेबल एंड इंडिविजिबल, ठीक है। ये पार्टलेस है, इनसेपरेबल और इंडिविजुअल होने की वजह से प्रकृति को जो तीन गुण है, ये हम उसके एट्रीब्यूट या क्वालिटीज नहीं बोल सकते, ठीक है। इट्स ए यूनिटी ऑफ थ्री गुनास, ठीक है। तो ये तीन गुण कौन से है, सत्व, रजस एंड तमस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब बनता है, हेंस प्रकृति इज कॉल्ड एज त्रिगुणात्मका, ठीक है। त्रिगुणात्मक यानी तीन गुणों का मिलन, ओके, मिश्रण भी बोल सकते हैं। सत्व इज लाइक इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ गुडनेस, ओके, इट गिव्स प्लेजर ब्लीस एक्सेट्रा, ठीक है। सत्व यानी जो हमें हम वाइड भी कह सकते हैं, यानी कि जो अच्छा होता है, पीस होता है, उसको हम सत्व कहते हैं। दूसरा गुण है वो है रजस, इट इज प्रिंसिपल ऑफ मोशन विच मेक्स यू रेस्टलेस पेन एंड डायनामिक। वो ऐसा आपने कभी भगवद्गीता पढ़ी होगी तो उसमें भी ये सब लिखा हुआ है, उसका जो 14वां अध्याय भगवद्गीता का, उसमें सब लिखा है कि इंसान के अंदर ये तीन गुण होते हैं। अगर वो सत्वगुण होता है तो वो स्टेबल, शांत, काम, पीस लवर, ये सब बताया गया है, गुस्सा नहीं होता, बहुत जल्दी हंसता भी नहीं है, एक स्टेबल स्टेट कहती है। जब हम रजस गुण अगर उसमें डोमिनेट हो तो वो कैसा इंसान होता है, रेस्टलेस होता है, हर बार कहीं ना कहीं भागते रहता है, नहीं क्या आपने अगर पढ़ा होगा तो वो इंटरेस्टिंग केस है, वहाँ पे समझा के दिया अच्छे से। तो वो वैसे लोग होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, ओके, रेस्टलेस की वजह से हर बार उनको भाग दौड़ करनी पड़ती है, दैट्स व्हाई दे आर इन पेन ऑलवेज, ठीक है। एंड तमस इज काइंड ऑफ वर्स्ट ऑफ ऑल, कि इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ डार्कनेस, ठीक है। जैसे हमने सत्व को वाइट बोला था ना हमने, इट्स एक्चुअली वाइट का मतलब यहाँ पे इट्स लाइक अ लाइट, इट इंडिकेट्स अ लाइट या फिर नॉलेज, ऐसा इंडिकेशन होता है उसका। बट यहाँ पे तमस का मतलब इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ डार्कनेस, ठीक है। इट ब्रिंग्स लेथार्जी, कन्फ्यूजन, ठीक है। जितने भी आजकल लोग आप डिप्रेशन में देखते हो, या फिर आप लोग जो नहीं कह सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग को लगता है कि मैं कुछ ढंग का काम नहीं कर रहा हूँ मेरे ज़िंदगी में, या जो भी खुद से निगेटिव बात करते हैं, लोगों को निगेटिव देखते हैं, हर सिचुएशन को दोष देते हैं और सब उनको निगेटिव लगता है, वैसे लोगों में ये तमस गुण ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात हमने जनरल इसमें की थी, बट हियर व्हेन वी टॉक अबाउट प्रकृति, इट्स अ कंपोजिट ऑफ दिस थ्री गुनास, ठीक है। ये तीन गुणों का यूनिटी है, ये प्रकृति बनती है, ठीक है। इसलिए हम त्रिगुणात्मक भी कहते हैं, सत्व, रजस एंड तमस, ऑल थ्री गुनास डोमिनेट ईच अदर। अभी वो क्यों डोमिनेट करते हैं, वो क्या होते हैं, वो सांख्य ने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे चलते हैं, देखते हैं वहीं पे। अकॉर्डिंगली देयर आर फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ प्रकृति, अब कुछ उसके अकॉर्डिंगली कि वो डोमिनेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उसके स्टेट्स क्या होते हैं। पहला स्टेट है साम्यावस्था, अब आपको अवस्था बोलने के बाद हम पता है स्टेट कहते हैं, साम्य यानी कहीं तो कुछ सिमिलर और समान है, ठीक है। क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री गुनास, यानी तीनों गुण समान जो प्रमाण में पाए जाते हैं, उसका मतलब होता है साम्यावस्था, ठीक है। सत्व, रजस एंड तमस आर एग्जिस्टिंग इन द सेम प्रोपोर्शन, ओके, दैट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इट इज़ अ रियल नेचर ऑफ प्रकृति, प्रकृति का अगर ओरिजिनल नेचर जो जिससे बना है, जैसे कि हमने पहले की वीडियो में देखा था कि जैसे प्रकृति परिणामवाद और सत्कार्यवाद को सांख्य सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यानी उनका कहना क्या है, दैट येस एवरी इफेक्ट हैज़ अ कॉज, ठीक है, एंड कॉज इटसेल्फ इज टर्निंग आउट इनटू इफेक्ट कम्प्लीटली, यहाँ कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे सांख्य, यानी उसके पहले जो प्रकृति थी, जो हमने देखा था उसके पहले की वीडियो में, दैट प्रकृति इज द फर्स्ट कॉज है, ठीक है। इट्स अ अनकॉज्ड कॉज ऑफ द यूनिवर्स है, जिसको किसी और ने नहीं बनाया, बट वो खुद में ही ऐसा है जिसने इस वर्ल्ड को या यूनिवर्स को बनाया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे ये रियल नेचर जो है प्रकृति का, वो है साम्यावस्था। तो साम्यावस्था में कुछ क्रिएशन नहीं होता, ऐसा कहते हैं वो, क्यों देखते चले आगे। इट कैनॉट प्रोड्यूस एनीथिंग न्यू इन दिस स्टेट, अभी देखो क्रिएशन होने के लिए एक जैसे कि हम थ्योरी कहते हैं, ओके, तो सांख्य ने कुछ ऐसी थ्योरी रखी है आपके सामने कि क्रिएशन होने के लिए ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थ्री गुनाज है वो डिस्टर्ब होनी चाहिए,
तभी तब जाके फिर क्रिएशन पॉसिबल है, ऐसा सांख्य आगे कहने वाले, ठीक है। इसलिए मैंने अभी ये पॉइंट बता दिया, क्योंकि अगर तीनों जो गुण है वो अगर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेम प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो साम्य अवस्था में कोई क्रिएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट हियर। नेक्स्ट इज प्रलय अवस्था। प्रलय अवस्था आप प्रलय से भी पहचान सकते हो क्या होने वाला है। इट्स अ स्टेट ऑफ डिजोल्यूशन, दैट इज देयर इज नो क्रिएशन एट ऑल, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी क्रिएशन हुआ है, लेट्स अज्यूम कि जैसे कि जो हमने बोला था अभी कि सत्व रजस तमस एक दूसरे को डोमिनेट करना शुरू हो गया, क्रिएशन हो गया, फिर उसके बाद प्रलय अवस्था डिजोल्यूशन आता है, तो ये सारे जो चेंजेस हुए हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, दैट्स देयर इज नो क्रिएशन एट ऑल। गुनाज आर डिजोल्व विद इन इट्स रूट कॉज, दैट इज प्रकृति, ठीक है। जो भी गुनास का डोमिनेशन होकर क्रिएशन हुआ था वो वापस डिजोल्व होकर प्रलय अवस्था में अपने रूट कॉज में आ जाएगा, दैट इज प्रकृति। तो ये हम सिर्फ उसके स्टेट्स देख रहे हैं, आगे हम अच्छे से सिस्टमेटिकली देखने ही वाले कि व्हाट इज क्रिएशन, हाउ इट इज डन। एट प्रलय अवस्था प्रकृति इज स्टेबल, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रजस गुना मोशन स्टार्ट्स विद इन प्रकृति, विच बिगिन्स होमोजीनियस चेंजेस लाइक सत्व चेंजेस इंटू सत्व, रजत चेंजेस इंटू रजत एंड तमस चेंजेस इंटू तमत, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि प्रलय अवस्था में जब हमने डिजोल्यूशन की बात की है, तो डिजोल्व होने के बाद एक ऐसा इंसिडेंस आता है कि रजस जो है वो डोमिनेट करना शुरू करता है बाकी और तमस और सत्वों को, ओके। एंड दिस एक्चुअली ब्रिंग्स द होमोजीनियस चेंजेस विद इन प्रकृति। अभी ये इंटरेस्टिंग है कि जब होमोजीनियस चेंजेस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे क्रिएशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर रजस रजस को डोमिनेट कर रहा है, सत्व सत्व को डोमिनेट नहीं सॉरी चेंज कर रहा है, अगर सत्व चेंजेस इंटू सत्व, रजस इंटू रजस एंड तमस इंटू तमस, तो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन, ऑब्वियसली, ठीक है। जब ये एक दूसरे को डोमिनेट करेंगे तब चांसेस है कब क्रिएशन के, ठीक है। सो इसीलिए हम इस अवस्था को भी जहाँ पे प्रलय अवस्था में होमोजीनियस चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ रजस गुना एट दिस स्टेज एज वेल प्रकृति इज साइलेंट, यानी कि यहाँ पे भी कोई क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए साम्य अवस्था और प्रलय अवस्था ये एक ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे क्रिएशन पॉसिबल नहीं होता है। होमोजीनियस चेंजेस जो अपने अंदर हो रहे हैं, सत्व इंटू सत्व, रजस इंटू रजत, तमस इंटू तमस, ये जब एक दूसरे के काउंटर करना शुरू करेंगे, जैसे सत्व इंटू रजस, रजस इंटू तमस, तब जाके हिटेरोजीनियस चेंजेस होंगे जो हम आगे देखने वाले, ठीक है। सो ऑफ दिस थ्री गुनास तमस इज द हेवीएस्ट देन रजस एंड सत्व, दैट वी ऑल नो। आपने देखा होगा जो भी निगेटिव लोग होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, वो बहुत हेवी फील करते हैं, वो कभी भी आप देखोगे कभी तो सोचते ही बैठे होंगे, उनको आप कुछ भी करने के बोलोगे तो बोलेंगे यार बाद में करेंगे, डिले करें, प्रोक्रेस्टिनेशन जो चीज़ हमने कभी एक बार पढ़ी होगी कि हम डिले इन डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है दे ऑल आर ड्यू टू द डोमिनेशन ऑफ सत्व गुण विद इन देम, ठीक है। सो धीरे धीरे वो जब सत्व में टर्नआउट सॉरी तमस गुण विद इन देम, बट वो धीरे धीरे जब सत्व में टर्न होने शुरू करते हैं तब वो इंसान एक्टिव होता है, यानी लाइफ के बारे में सीरियसली नॉट सीरियसली बट यू नो एक्टिवली सोचने लगता है, ठीक है। तो ये सब हमें कहीं ना कहीं पे पढ़ने में आ सकता है। सो इसलिए तमस इज द हेवीएस्ट देन रजस एंड सत्व, ओके। सो डिस्ट्रक्शन इज लाइक अ फोल्डिंग एस्पेक्ट ऑफ प्रकृति व्हाइल क्रिएशन इज लाइक द अनफोल्डिंग। अनफोल्डिंग यानी जब जैसे नहीं कि हम चादर बिछाते हैं, ठीक है, चादर को बिछा दिया यानी क्या हुआ, चादर ओपन होगी यानी क्रिएशन हुआ है, ठीक है। चादर को फोल्ड करके रख दिया यानी डिस्ट्रक्शन हुआ है, यानी प्रकृति जैसे चादर ओपन और क्लोज होती है वैसे प्रकृति को जब चाह तब वो, जब चाह तब भी नहीं है, उसका भी टेलोलॉजी का एक्सप्रेशन दिया है सांख्या ने, देखेंगे अब हम। तो प्रकृति ये करती है कि उसको जब चाहिए तब वो क्रिएशन करती है और जब चाहिए तब उसको डिजोल्यूशन करती है, जिसको हम फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग एस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पुरुषा। अभी हमने अभी तक प्रकृति पढ़ा, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पढ़े, उसकी अवस्था के बारे में देखा, गुनास के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पुरुषा के बारे में। डोंट फॉरगेट हमने सांख्या का जो पहला पार्ट देखा था उसमें प्रकृति के टाइप ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से देखे थे, जैसे प्रकृति इज लाइक अनइंटेलिजेंट बट इट्स डायनामिक, यानी एवर एक्टिव, जिसको हमने शक्ति भी बोला था, याद होगा अगर आपको तो, बट इट्स अनकॉन्शियस। उसके भी कॉजेज बताए थे कि वाई प्रकृति इज द ओनली कॉज ऑफ द यूनिवर्स एंड वाई नॉट एटम और अनकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी द यू नो कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, तो उसके भी एक्सप्लेनेशन हमने देखिए। आप अगर पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो कोई यहाँ पे मतलब नहीं आएगा, आप प्लीज़ पहली वीडियो देख लो फिर इस वीडियो पर आओ, ठीक है। सो व्हाट इज पुरुषा नाउ, लेट्स सी। सांख्या बिलीव्स इन टू रियलिटीज, दैट इज प्रकृति एंड पुरुषा, जिसके बारे में प्रकृति के बारे में हमने ऑलरेडी देखा है सब कुछ। नाउ विल सी पुरुषा। वेल प्रकृति इज अ मैटर, पुरुषा इज लाइक सोल, ठीक है।
नाउ इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ऑल्सो इसलिए लिखा क्योंकि पुरुषा भी कुछ ऐसे ही है, सॉरी प्रकृति भी कुछ ऐसे ही है. सो इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट, सुप्रीम, इटर्नल एंड अल्टीमेट रियलिटी. ओके, बट पुरुषा इज नॉट अ कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड. ठीक है, इसीलिए हम इसको मैंने हाईलाइट किया है कि पुरुषा एक कॉज नहीं है. ऑल दो इट इज इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट, सुप्रीम, इटर्नल, अल्टीमेट रियलिटी लाइक प्रकृति, ठीक है, बट इट्स नॉट द कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड बिकॉज ओनली प्रकृति इज द कॉज ऑफ द वर्ल्ड. अभी जैसे कई बार हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी फिलोसोफर जब दो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है तब भी उसकी फिलोसफी फेल हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे ही सांख्या की गड़बड़ हो गई कि उन्होंने दो रियलिटी को एक्सेप्ट किया है. वो जान दो क्रिटिसिज्म वालों का जो है वो करेंगे क्रिटिसिज्म, तो हम देखेंगे तो वहाँ पे वो पॉइंट आएगा. हमें क्रिटिसाइज कभी नहीं करना है. ठीक है, इट इज़ एन इंटेलिजेंट प्रिंसिपल. जैसे कि प्रकृति अनइंटेलिजेंट था, यहाँ पे पुरुषा इज इंटेलिजेंट प्रिंसिपल एंड इट्स कॉन्शियस बट इनएक्टिव. अब ये ट्विस्ट है यहाँ पे कि हमने प्रकृति एज अ अनकॉन्शियस देखा था और उसको एक्टिव बोला था. उसके एग्जैक्टली अपोजिट जो है पुरुषा है, वो कैसा है, वो कॉन्शियस भी है बट इनएक्टिव है. ठीक है, ऐसा कुछ पुरुषा का एक्सप्लेनेशन सांख्या ने दिया हुआ है. सांख्या सेज पुरुषा एंड प्रकृति विल कंजुगेट फॉर क्रिएशन. जो क्रिएशन करने के लिए पुरुषा एंड प्रकृति विल कंजुगेट. वी नो दैट ड्यूरिंग क्रिएशन प्रकृति अनफोल्ड्स इटसेल्फ, जैसे मैंने अभी चादर का एग्जांपल दिया था. बट द बेसिक क्वेश्चन इज व्हाई प्रकृति गेट्स अनफोल्ड, है ना. ऑब्वियस क्वेश्चन ये आएगा कि चलो मान भी लिया कि प्रकृति एंड पुरुषा एक साथ आएंगे, कंजुगेट होंगे, तो एक साथ का मतलब क्या है, वो सब डीप में देखना है हमें. बट यहाँ पे कंजुगेट फॉर एग्जांपल दोनों पास आए ऐसा कुछ समझ लो, और उसके वजह से क्रिएशन हो रहा है, बट इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे. तो सांख्या यहाँ कहते हैं, यानी सांख्या गिव्स टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. टेलियोलॉजिकल का मतलब पर्पस क्या है, दोनों के पर्पस डिफाइन करेंगे सांख्या यहाँ पे, और उस पर्पस को लेके क्रिएशन एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज दैट टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सांख्या. फर्स्ट इज दर्शनार्थम. दर्शन के वर्ड से आपको समझ में आता है कि दर्शनार्थम क्या, कि दर्शन ये एक अर्थ है, यानी एक इच्छा है किसी की. तो किसकी इच्छा है, तो प्रकृति वॉन्ट टू सी इट्सेल्फ एज एंजॉइंग प्लेइंग डांसिंग गर्ल. ठीक है, यानी प्रकृति चाहती है कि मुझे एंजॉय करते हुए, नाचते हुए, लाइक डांसिंग गर्ल, कोई तो मुझे देखे, कोई मुझे देखे, इसीलिए दर्शनार्थम. ठीक है, वाइल कैवल्यार्थम इज द सेकंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द साइड ऑफ पुरुषा, दैट पुरुषा वॉन्ट टू सी दैट डांसिंग गर्ल एंड थ्रू दिस एंजॉयमेंट पुरुषा सीक्स लिबरेशन. यानी देखो दोनों की नीड है यहाँ पे. एक प्रकृति की नीड है कि वो खुद तो डांस करती है, ये है वो है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रकृति एवर एक्टिव है, तो डांस करती है, ये करती है, वो करती है, बट अनकॉन्शियस है. दैट्स वाई शी कैनॉट हैव द एन्जॉयमेंट ऑफ इट. तो वो एन्जॉयमेंट के लिए वो किसको खोज रही है, कॉन्शियसनेस को खोज रही है. तो कॉन्शियसनेस कौन है यहाँ पे, पुरुषा है. अब भला पुरुषा की वो देखेगा इस डांसिंग गर्ल को, वो कॉन्शियस है बट वो इनएक्टिव है. तो इनएक्टिव होने की वजह से उसको समझ पा रहा है कि वो सामने वाला जो है प्रकृति, वो एन्जॉय कर रहा है, वो डांस कर रहा है, बट नॉट मी. तो मुझे अगर उस स्टेट तक पहुंचना है तो मैं आई विल सीक द लिबरेशन एंड थ्रू दिस एन्जॉयमेंट पुरुषा सीक्स लिबरेशन. ऐसा कुछ समझ लो, मैंने बहुत ही कॉमन टर्म में आपको समझा के दिया है. अगर बुक्स में पढ़ोगे तो ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, बट ईजी वे में ऐसे ही उनका कहने का मतलब है. ठीक है, तो ये है दर्शनार्थम किसका मोटो है, प्रकृति का. कैवल्यार्थम किसका मोटो है, पुरुषा का. तो ये दो आस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो गए टेलोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ सांख्यास क्रिएशन. तो ये कहते हैं कि जब ये स्टेट अराइव होती है कि प्रकृति को दर्शन देने का है और पुरुषा को दर्शन लेने का है, किसके लिए, कैवल्यार्थम, कैवल्य मिलाने के लिए. कैवल्य का मतलब लिबरेशन होता है. ठीक है, तब जाके क्रिएशन पॉसिबल है. सो व्हेन दिस कंजुगेशन बिटवीन पुरुषा एंड प्रकृति टेक्स प्लेस, अर्लियर होमोजेनियस स्टेट ऑफ प्रकृति चेंजेस इनटू हेटेरोजेनियस स्टेट. मैंने बोला था जब भी होमोजेनियस स्टेट यानी क्या हुआ है कि प्रलयावस्था में रजस इज डोमिनेटिंग और चेंजिंग इनटू रजस, सत्व इज चेंजिंग इनटू सत्व एंड तमस इज चेंजिंग इनटू तमस. तो इन स्टेट ऑफ चेंजेस के अफेयर्स में अगर आप देखोगे तो क्रिएशन पॉसिबल नहीं है. तो उसे हम इसलिए होमोजेनियस स्टेट कहते हैं क्योंकि सिमिलर चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे. बट जब ये कंजुगेट होते हैं, ये प्रलयार्थ, ये दर्शनार्थम और कैवल्यार्थम के थ्रू, ठीक है, तब हेटेरोजेनियस स्टेट होती है. यानी सत्व विल डोमिनेट रजस, तमस विल डोमिनेट सत्व एंड दे विल डोमिनेट ईच अदर, जैसे कि हमने पहले देखा था. ठीक है, दिस पॉइंट ऑफ कंजुगेशन इज नोन एज गुणक्षोभ. गुण का मतलब तो आपको पता है सत्व, रजस एंड तमस, ये तीन गुण है. क्षोभ का मतलब ये होता है जैसे कि लाइक डिपार्चर,
लाइक दुख, कि कोई चीज़ जो हमें पसंद नहीं है वैसा कुछ हो रहा है ऐसा, लाइक दे से कि अब अगर हम सिमिलर अपने सत्व सत्व में चेंज हो रहा है, रजस रजस में चेंज हो रहा है, तमस तमस में चेंज हो रहा है, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों स्टेट अपने अपने इसमें एंजॉय कर रहे हैं, बट जब वो एक दूसरे को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं तो इसे कहते हैं, ये गुणक्षोभ थोड़ा निगेटिव कनोटेशन में ये बता रहे हैं कि एग्जैक्टली दे डोंट वॉन्ट, बिकॉज क्रिएशन इज लाइक दैट्स वाई, देखो ना हम ये संसार को बोलते हैं कि यार ये बुरा दुख भरा संसार है, ये वो आपने कभी पढ़ा भी होगा, तो सब कहाँ सुख है, तो लिबरेशन में सुख है। तो ये दर्श, ये जो संसार को हमें दुख भरा बोलने के लिए, ये तो समझना चाहिए कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो थ्रू दिस, जैसे कभी कभी हमारा सत्व अगर हमारे अंदर बहुत डोमिनेट है तो वो पर्सन पीस लविंग होता है, बहुत एक्टिव होता है, हर काम अच्छे से करने की कोशिश करता है, बहुत पॉजिटिव होता है। बट मानो खुदा ना खास्ता कोई कारण से अगर उसमें तमस डोमिनेट हो जाता है तो उसकी जो वृत्ति है, जो सत्व थी पहले, वो चेंज होकर तमस हो रही है, यानी ही इज थिंकिंग निगेटिवली, तो ये उसके पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे कुछ हम यू नो अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द प्रकृति एंड पुरुषा, प्रकृति के कैरेक्टरिस्टिक आज हमने देखे और पुरुषा के कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिए, और हमने क्रिएशन कैसे पॉसिबल है थ्रू द टेलियोलॉजिकल इंस्पिरेशन ऑफ सांख्य ये भी हमने देख लिया है। इसकी बाद की वीडियो में मैं कवर करूँगा एग्जैक्टली क्रिएशन क्या है, जो सांख्या, सांख्या का मतलब संख्या होता है, तो संख्या क्यों बोला जाता है ये इसका मतलब हम आगे की वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज़ कंटिन्यू करिए वीडियो का सीरीज, और इसके पहले की वीडियो अगर नहीं देखी होगी तो उसको देख लीजिए। एंड अगर इस वीडियो को लेके आपको कुछ अगर क्वेरीज हो, ठीक है, तो आप मुझे मेल आईडी में भेज सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड विश यू ऑल द बेस्ट।